रिफल डंडा मुर्दाबाद 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 रिहा सरकार मुर्दाबाद 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 कंसारी एकता जिंदाबाद 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 आपने बता देंगे गेट पे दो ही आए कैसे अपन गया ना इस तो बात को नहीं बोलनी ठोस बात करके लेके आ जिस दिन और कड़े मंत्री मिलेगा मंत्री यह कहता हूं हमें आधे मिलूंगा एक घंटे बाद दो घंटे बाद हमने तो यह भी कह दी थी हम घंटा दो घंटा मोर्चा लगा रहे बड़ा लाग रहा लगा रहे तैयार कर जैसे ही आप चले आगे में उसके बाद मंत्री गहलोत ने बात करी मेरी बात करवाने खातर मुझे कम ध्यान दिया गए मैं आगे आ गया छब्बीस तारीख को आज है तेईस आज 26 तारीख ने चंडीगढ़ में मंत्री के साथ मीटिंग होगी अपनी यूनियन की 26 तारीख में तीन दिन बाद अफसरों के साथ हमने कहा 26 का क्या चतरा खड्डा भाई तने 25 में क्यों नहीं करी कल 24 थी 27 तारीख में मंत्रिमंडल की मीटिंग है 27 तारीख में और उस मंत्रिमंडल की मीटिंग में उसकी तैयारियों के लिए मैं उड़े हूं दो दिन 26 में थारे गैर बात कर लूंगा मैं कोशिश यह करूंगा 27 तारीख में कैबिनेट की मीटिंग में थारे कुछ मसले का समाधान हो जा कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री की मौजूदगी यह आश्वासन यह बात उन्होंने कही है इस आधार पे मैं जो अंदर एक बात कह रहा था ना उसको ध्यान तो सुन लो अपा बीच में 4-5 महीने सुते थे आज जाग के आए हाँ आज 3-4 महीने के ब्रेक के बाद और 3-4 महीने के ब्रेक के बाद जब जाग के आए हाँ 3 दिन बाद मीटिंग है 26 तारीख को 26 तारीख में क्या करेंगे क्या ना करेंगे पता चल जाएगा लेकिन हम पता चल लो ना चल लो हम ये कह के जा रहे हैं 15 दिन का समय है सरकार के पास आज तक गिनती शुरू कर लो अगले 15 दिन की 15 दिन के भीतर जब हमारे मसले का निपटारा हो गया समाधान हो गया तो ठीक है नहीं तो भाई वे घोड़े और वे मैदान लड़ेंगे सरकार के खिलाफ दम के लड़ेंगे पूरे हरियाणा के अंदर इंकलाब
ये सोचते हो दो महीने तीन महीने निकल जाएंगे, निकले तो गए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा समाधान किए बिना तुम जो हो गद्दी तो पड़े पड़े पाओगे। 90 दिन बाद चुनाव में तुमने हरावांगे क्या साफ तौर पर कह गुजारे। अरे कंधे कंधे को नहीं, हमने कही थी 29 नवंबर को पंचकुला के अंदर, कह तो भाई सदबुद्धि लेके साफ नीयत पे काम कर लियो, जो साफ नीयत पे काम नहीं करा तो लोकसभा चुनाव में ट्रेलर दिखाएंगे। आपने ट्रेलर दिखा दिया, 10 की 10 ले रहे थे, 10 पर तो हाथ दे गदर दड़े पड़े। और ये ट्रेलर था ठीक का अपने प्रधान ने कह तो मान जाइए, नहीं तो विधानसभा चुनाव में पूरी फिल्म दिखा देंगे। साफ तौर पर कहने के लिए आए, हम जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए दोस्तों 3 दिन बाद मीटिंग होनी है, हम पुणे मंत्री से यह अपील करना चाहेंगे, सीआईडी वाले भाइयों भाई उनको बता दे कि सफाई कर्मचारी गुस्से में है, सफाई कर्मचारी आक्रोशित है, सफाई कर्मचारी तुम्हारी बार बार की जो वायदा खिलाफी है इससे तंग आ चुका है, अब तोड़ होगा, इन 90 दिन में तोड़ होगा, या तो हम पक्के होंगे या तुम कच्चे होंगे, इसका कोई रास्ता नहीं होगा। साफ तौर पर कहना चाहते पक्का करने के लिए पॉलिसी बनाओ, विधानसभा में स्पेशल सत्र बुला के आप कानून बनाओ, हमें पक्का करो 2 साल जिस कर्मचारी में काम करते हुए होगे, जिस 2 साल उन तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी लेके आओ, तभी जाके ये गुस्सा ये आग शांत हो सकता है, वरना ये आग आपको भस्म करेगी आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर। यही कहते हुए और भाई शांति पर जाइए।